आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी महाराज और साधु और नर्तकी की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह दिन भर लोगों को उपदेश देते और सत्संग करते रहते थे। उसी गांव में एक नर्तकी भी रहती थी जो कि लोगों के सामने नाचती और उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, साधु और नर्तकी दोनों एक साथ मर गए। मरने के बाद जब दोनों धर्म लोक पहुँचे तो इनके कर्म और इनके पीछे छिपी इनकी भावनाओं और इन्हें स्वर्ग या नरक दिए जाने की बात कही गई। साधु सोच रहे था कि मुझे तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उसे अपनी पूजा पाठ पर बड़ा घमंड था। उसे यकीन था कि उसे स्वर्ग ही मिलेगा। वही नर्तकी अपने मन में कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी चित्रगुप्त जी इन दोनों का लेखा जोखा धर्मराज जी महाराज को सुनाते हैं। धर्मराज जी महाराज ने घोषणा की कि साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग ले जाया जाए। इस फैसले को सुनकर साधु बाबा गुस्से से धर्मराज जी महाराज पर चिल्लाए और क्रोधित होकर बोले कि यह आपका कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपने जीवन में लोगों को अच्छे से अच्छे उपदेश दिया है, पूजा पाठ व्रत करता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है, ऐसा क्यों प्रभु। तब धर्मराज जी महाराज शांत भाव से उत्तर दिया कि यह साधु या नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश मुझे भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यह साधु लगता है कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्मों से अधिक कर्म करने के पीछे की भावना मायने रखती है, अतः इसलिए तुम्हें नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। हम कोई भी काम करें उसे करने के पीछे नियत साफ होनी चाहिए, अन्यथा दिखने में भले लगने वाला काम भी हमें पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना देता है। इस प्रकार नर्तकी को स्वर्ग का वास मिलता है और साधु महाराज नरक का दुख मिलता है। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।